रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शोध शिखर 2024 का आयोजन किया गया। विकसित भारत नया भारत विषय पर आधारित इस सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हैदराबाद से जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर आर के बेदी सहित अन्य कुलपति मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने की। शोध शिखर सम्मेलन में 377 रिसर्च पेपर और 54 रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल हुए। इस अवसर पर प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अनेकों समिट में भाग लिया, पर रिसर्च समिट में पहली बार भाग लिया। यह अद्भुत आइडिया है। भारत का प्राचीन काल से ही रिसर्च और इनोवेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही संतोष चौबे ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से रिसर्च ओरिएंटेशन पर काम किया जा रहा है। इस देश में कंप्यूटर क्रांति में आईसेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रोफेसर आर के बेदी ने शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए बैकबोन है रिसर्च एंड इनोवेशन। उन्होंने शोधार्थियों को मूल मंत्र देते हुए बताया कि उसी पर फोकस करिए। शोध सम्मेलन में छात्राओं ने कई मॉडल भी तैयार किए। इसके जरिए किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियों या फ्रूट को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। इस मॉडल को दिल्ली में आयोजित अन्वेषण साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पुरस्कृत किया जा सकता है। इस मौके पर शोध शिखर की स्मारिका सहित रिसर्च की पत्रिका, अनुसंधान और शोधायतन इलेक्ट्रॉनिकली आपके लिए और ब्रेकिंग द बैरियर बुक का विमोचन किया।